अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ वालदैन, आज हमने बच्चों को जिस हरूफ़ तहज़ी में जिस चीज़ की पहचान करवाई वो है शरारती हरूफ़। जी हाँ, शरारती हरूफ़ भी होते हैं, जैसे शरारती बच्चे होते हैं ऐसे शरारती हरूफ़ भी होते हैं। ये शरारती हरूफ़ वो होते हैं जो अगले हरफ के साथ मिलकर नहीं कोई लफ्ज़ बनाते। मिसाल के तौर पर अलिफ़ है, अलिफ़ से जब भी हम कोई लफ्ज़ शुरू करेंगे तो उसमें अलिफ़ अलग ही रहेगा, अनार, अंगूर, अमरूद, देखिए उनमें सब में अलिफ़ अलग है। इसी तरह से दाल से शुरू होने वाली जितना दाल का ख़ानदान है, दाल डाल जाल, दाल दवात, दाल डोल, जाल जरात, तो इन सब से जितने हरूफ शुरू होते हैं वो सब अगले लफ्ज़ अगले हरफ के साथ मिल के नहीं बनाते। जब भी कोई लफ्ज़ बनेगा तो दाल अलग ही लिखा जाएगा, डाल अलग ही होगा। इसी तरह रे का ख़ानदान है, रे में जैसे रेल है, उसमें ये लाम तो इकट्ठा हो गया, रेल आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, रे अलग लिखा हुआ है, ये लाम इकट्ठा लिखा हुआ है, रे अलग ही रहेगा। अड़े में भी ऐसे ही है, ज़े में भी ऐसे है, जंजीर, नून, जीम, ये रे इकट्ठा है, लेकिन ज़े जो स्टार्ट आवाज़ है जो हर्फ का वो अलग है, जंजीर। इसी तरह से रे के ख़ानदान के अलावा यहाँ एक वाव है, वाव से वर्क, वाव से बास्केट, ये अलग ही रहता है। वाव अपने अगले हरफ के साथ मिलकर लफ्ज़ नहीं बनाता, इसलिए इनको शरारती हरूफ कहते हैं। पहचान के लिए हम अलिफ़ से लेकर ये तक लिख लें बच्चों के सामने बड़ा बड़ा करके, वाजह करके, और बच्चों से कहें कि इनमें से जो शरारती हरूफ हैं उनके गिर्द दायरा लगा दें तो बच्चों को वो याद हो जाएगा। इसके अलावा पहचान करवाने के लिए बहुत आसान तरीका है कि दाल का ख़ानदान, रे का ख़ानदान, और इसके अलावा वाव जो कि रे जैसा ही लगता है और आगाज़ में सिर्फ। इसी तरह से बहुत से और तरीके हैं कि जैसे आप बच्चों को पहचान करवा सकते हैं लिख कर लफ्ज़, उसकी पहचान करवाएं कि दाल दवात लिखा हुआ है, लफ्ज़ पूरा लिखा है, दाल अलग होगा, डोल पूरा लफ्ज़ लिखें, दाल अलग होगा, ज़रात लिखें, ज़ात अलग होगा, रेल लिखें, लफ्ज़ पूरा तो रेल अलग होगा, वाव से वर्क अलग है, ज़े जो से जाला बारी अलग है, जय अलग लिखा जाता है, ज़े से जंजीर अलग है, अड़े से आड़ू, ये तमाम हरूफ अपने अगले हर्फ के साथ नहीं मिलते, इसलिए इन्हें शरारती हरूफ कहते हैं। हमारा आज का सबक बस यही था, उम्मीद है कि आपके लिए आपको पसंद आया होगा, आपके लिए मालूम होगा। इंशाल्लाह ताला अगले सबक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए।